देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। रुचिता भाभी आप यहाँ कैसे? प्रीति भाभी प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी आप यहाँ कैसे? वो मुझे कुछ आवाज आई थी यहाँ से इसलिए मैं यहाँ चली आई। वो ना मैं मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो मैं ना वॉक करने आ गई थी। ओ अच्छा। भाभी वो थोड़ी ठंड सी लग रही थी मैं अंदर जा रही हूँ आपको छोड़ दूँ? नहीं मैं चली जाऊंगी। ठीक है। हे भगवान इस डब्बे में भी सुबह वाले डब्बे की तरह क्रॉस का निशान लगा हुआ था। समझ नहीं आ रहा ये प्रीति आखिर करने क्या वाली है। मुझे कैसे भी करके पता करना ही होगा। मुझे कल पूजा से पहले पता करना ही होगा कि आखिर उस डब्बे में है क्या। रुचिता तुमने नहा लिया? देखो मैंने तुम्हारी सारी ज्वेलरी सब कपड़े सब निकाल के रखे। आज मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से सजाऊंगा। अरे वाह नेहा जी आपने तो बहुत अच्छे से तैयार किया है। रुचिता तुम्हें कैसे पता? तुम तो देख नहीं सकती ना। हाँ पर आपने तैयार किया है ना तो बेस्ट ही होगा। मैं बाहर का काम देख कर आता हूँ। I'm so sorry नेहा जी। मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जैसे ही मेरा मकसद पूरा हो जाएगा आप मुझे जरूर माफ कर देंगे। भाभी
हाँ प्रीति, वो मैं पूछने के लिए आई थी कि तुम पूजा के लिए रेडी हो गई हो। हाँ मैं तैयार। वैसे तुमने गेट में ताला लगाया क्या? वो मुझे आवाज आ रही थी। अरे हाँ भाभी, वो बहुत सारे कॉकरोचेस हो रहे थे ना, तो बस स्प्रे छिड़का था मैंने। चले? हाँ तुम जाओ, मैं हाजी को देख कर आती हूँ। ठीक है। ताला कैसे खोलूं? ये कहीं रुचिता को देख ना ले। रितु जी, दादी जी जरा सुनना। हाँ बेटा। जी दादी। बेटा पंडित जी से जरा पूछो जाके कि शुभ मुहूर्त कितने बजे है। शुभ मुहूर्त? ठीक है, मैं अभी पूछ के आती हूँ। हाँ रुचिता, क्या कर रही हो तुम? अभी रितु देख लेती तुम्हें। क्या? थैंक यू सो मच दादी जी मुझे बचाने के लिए। वो मैं ये ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, प्रीति के रूम में वो डब्बा रखा है, मुझे देखना है कि उसमें है क्या, लेकिन देखे ना ये ताला खुल ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? अब तो सिर्फ एक ही तरीका है दादी जी। I'm so sorry, मैं वो शिवजी के लिए बस लेके जा रही थी और पैर फिसल गया। क्या मेरी आँख माँ? हाय ये क्या किया तुमने रुचिता, मेरी बेटी की आँखों में भस्म डाल दिया तुमने। माँ I'm so sorry, वो मैं देख नहीं सकती ना, तो मेरा पैर फिसल गया। कोई बात नहीं रुचिता, तुम जाओ। चल हटो यहाँ से। ये क्या हो गया बेटा? हे भगवान, ऐसे बच्चों की तरह थोड़ा ना रोते हैं। आओ मुंह धो लो फिर मैं कपड़े बदल देना। हाँ शाबाश, आ जाओ आ जाओ। चल I'm so sorry, वो मैं शिव जी के लिए भस्म लेके जा रही थी, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। हो ना हो, ये डायल नंबर जरूर उस कल रात वाले आदमी का ही होगा। कॉल करती हूँ। क्या हो मैडम, फिर फोन कर रही हैं? सामान में कुछ गड़बड़ है क्या? सामान? हाँ वो सामान में गड़बड़ी है, मिलना पड़ेगा। मैं थोड़ी देर में आपके घर के बाहर आता हूँ। कौन सी सामान की बात कर रहा था यार?